नमस्कार दोस्तों, हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी। डॉक्टर सतीश त्यागी जी का 40 साल का तजुर्बा है आयुर्वेद का और मॉडर्न मेडिसिन दोनों का, बहुत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं लेकिन क्लिनिक नहीं चलाते हैं ये। अब इस चैनल की जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ही एक वाजिब सा सवाल है। और इस चैनल की जरूरत पड़ी पिछले दिनों मुझे वायरल हो गया, तो वायरल में मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि वायरल को कैसे क्योर किया जाए, तो त्यागी जी उस पे ना उस पे किताब लिखी जा सकती है, इतने इलाज आयुर्वेद में लोगों ने बता रखे हैं और मैंने एक को भी फॉलो नहीं किया और मैं ठीक हो गया आपके कहने से कि आराम से आराम करो और पानी पीते रहो और अपने आप को ठीक रखो, तो मैं ठीक हो गया। फिर मैंने कहा त्यागी जी जब मैं बिना दवाइयां खाए हुए ठीक हो सकता हूं तो क्या ये जो यूट्यूब पे इतने सारे वैद्य डॉक्टर जो सुबह से शाम तक इलाज बताते रहते हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं और लोगों को सही इलाज की जरूरत है तो उनका सही इलाज कैसे होगा, इसलिए ये चैनल की आज बुनियाद पड़ रही है इसकी। और डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ ये पहला वीडियो है, लेकिन हम हर बीमारी पे वीडियो लेके आएंगे और कोशिश ये रहेगी कि आप बिना दवाइयां ठीक हो जाए। त्यागी जी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो यूट्यूब पे ये इतना मार्केट मची हुई है दवाइयों की, आयुर्वेद के नाम पे कोई कुछ भी बेच रहा है, मॉडर्न मेडिसिन वाला आयुर्वेद को पसंद नहीं कर रहा, आयुर्वेद वाला मॉडर्न मेडिसिन के बारे में नहीं जानता, तो हम अपने दर्शकों को क्या देने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि एक तो भारत में वैसे ही लिटरेसी बहुत कम है, साक्षरता दर बहुत कम है, और जिंदगी से जुड़े विषय जो आप बिल्कुल आपके शरीर से जुड़ा हुआ विषय है सेहत का जी, उसके बारे में तो लोगों को जानकारी नाम मात्र की है और अगर है तो वो गलत है। डॉक्टर्स उस जानकारी को जानते हैं लेकिन उनके जानने मात्र से समस्या हल नहीं होती। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि जो पढ़ा लिखा आदमी है और जो अपनी सेहत को लेके कॉन्शियस है, जैसा कि आज के दौर में है, तो अगर वो थोड़ा समझ ले कि उसका शरीर क्या है, उसका शरीर कैसे काम करता है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बीमारी कैसे फैलती है, या जो प्रचलित बीमारी है जो एक एंडेमिक या एपिडेमिक के रूप में आती हैं, बड़े बड़े पैमाने पर फैलती हैं, उसके विषय में उनकी जानकारी हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आजकल बहुत, चूंकि हमारी सेडेंटरी लाइफ है, विलासितापूर्ण जीवन है, तो उसमें डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो इस तरह की चीजें हैं वो भी काफी है। और जैसे लाइफ स्टाइल बदला उसके साथ में लीवर से रिलेटेड बीमारी होगी, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है। तो आज कहने का आशय ये है कि हर पढ़े लिखे आदमी को, और जो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसको वो सुन के इन चीजों को ग्रहण कर सकता है, तो उसको उसके शरीर के बारे में, बीमारियों के बारे में, और उनसे वो कैसे बच सकता है और किस तरीके से वो अपने होने वाले आर्थिक शोषण को जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग करते हैं उससे वो बच सकता है, अगर इतनी बुनियादी जानकारी उनको हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम होगा। जिस तरीके से आपने कहा यूट्यूब पे, यूट्यूब एक नया माध्यम है और इस पे जिसको जो पता है, कोई इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये लोग इस तरह की बात करेंगे। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा है तो यूट्यूब इंश्योर करे कि वो उस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या विधिवत उसने कहीं आयुर्वेद का प्रशिक्षण लिया है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया भर के लोग इस माध्यम के जरिए से आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे। नहीं है जिसने पढ़ाई नहीं करी वो भी आयुर्वेद, और उसमें मैं ये कह रहा हूँ आयुर्वेद के नाम पर तो बहुत बड़ा पाखंड और बहुत बड़ा झूठ खड़ा कर दिया। और इससे धर्मेंद्र जी मैं आपको बताऊं, लाखों लोग बेचारे उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, कितने लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं आयुर्वेद क्या है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर जैसा आपने कहा वो अभी भी आयुर्वेद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पढ़ ही नहीं रखा जी उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। और जब उनको ये कहा जाता कि जी मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूं या आयुर्वेद के बारे में जो उनकी पर्सनल राय है, वो ये कहते हैं कि साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, इसका कोई प्रयोग के स्तर पे इनकी जांच नहीं हुई जो आप चीजें कर रहे हैं। जैसे किसी को वायरल है सर, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एमडी है, वो मरीज कह रहा है जी मैं गिलोय की वेल ले लूं, उसका जूस पी लो, तो वो कह रहा हाँ हाँ ले लो ले लो। हाँ, तो वो इसलिए कह रहा है, उसको ये पता है कि गिलोय की जो लेने वाली बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो मरीज का मन रखने के लिए उस चीज को कह देता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस और एलोपैथी के बीच का जो झगड़ा है,
इसके कॉमर्शियल कारण बहुत हैं। कोई भी सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप जिस आयुर्वेद को आज ये कह रहे हो कि ये 4000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, किसी दौर में तो वो भी नया रहा होगा जब कुछ भी नहीं था। और मान लिया 5000 साल पहले इस तरह की जो चीजें सामने आई, जब चरक पैदा हुए, जब महर्षि सुश्रुत पैदा हुए, जब बागवत पैदा हुए, जिन्होंने स्वस्थ रहने के नियम आविष्कार किए और लोगों को बताए, जड़ी बूटियों का उन्होंने अध्ययन करा और उन लोगों को बताया कि इस चीज से लाभ होता है, तो उस समय तो वो भी आधुनिक था। और मॉडर्न मेडिकल साइंस तो जो 1950-60-70 के दशक में थी, आज पूरी तरीके से बदल गई है। मैं तो कहता हूं अगर आप उसको एलोपैथी कहते हो तो इसको कोई और नया नाम देना पड़ेगा आपको, न्यू एलोपैथी या न्यू मेडिकल साइंस, चूंकि ये लगातार बदलने वाली चीज है। और इसको बदलने में सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। आज एक दौर था जब केवल एक्सरे होते थे, आज आप सीटी स्कैन भी करते हैं, आज आप अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, आज आप एमआरआई भी करते हैं, और उसमें भी बहुत वैरायटी है। यानी कि एक एक सेल बॉडी की उसकी आप तस्वीर ले सकते हैं। ठीक बात है, मूल सिद्धांत इसका यही है। एक्सरे में भी आप फोटो ले रहे हैं, ये फोटो एक ऐसा है जो बहुत गहराई तक जाकर आपके टिश्यू में आपकी सेल की सेहत की जानकारी ले रहा है कि वो किस स्तर पे। दूसरे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, खून की जांच हो रही है, तरह तरह की जांच हो रही है। अब आम आदमी से पूछे तो वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर तो टेस्ट कराने को बोल दिए और इस नाम पे लूट मच रही है। ये बहुत जरूरी टेस्ट है, जहां अब ये डॉक्टर के लालच पे, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि अगर वो मरीज को, उसको नियत ये है कि मैंने इससे पैसे बनाने हैं और इसको ठगना है, इसको लूटना है, तो वो अनावश्यक टेस्ट भी करा लेगा। और ये इंप्रेशन लोगों में जाता है कि डॉक्टर लूट रहा है, अस्पताल लूट रहे हैं। कोरोना के बाद तो ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं, कोई भी डॉक्टर ये देख के राजी नहीं है कि उसके हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली। हाँ जी, वो टारगेट भी होते हैं। हाँ, तो ये सर्जरी के टारगेट, ये जो दृष्टिकोण बदला ना, बाजार खड़ा हो गया आके, कि जहां डॉक्टर ये तमन्ना कर रहा है कि मेरे बेड लगातार बढ़ते रहे और जो है उन पर कोई ना कोई मरीज लेटा रहे, ये सोच इतनी घृणित सोच है अपने आप में। हमें जो आयुर्वेद में पढ़ाया गया था धर्मेंद्र जी, उन्होंने बता रहे कि चिकित्सा चतुष्पाद करके एक चीज है, कि उन्होंने गुण बताए उसमें कि क्या है मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में डॉक्टर है, दवाई है, मरीज है, और चौथा एक अटेंडेंट है, परिचारक जिसे कहते हैं। और उन सबके, इन चारों के चार चार गुण बताए हैं कि औषधि में ये चार गुण होने चाहिए, डॉक्टर की चार ये विशेषताएं होनी चाहिए, मरीज की भी विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छा जी, और परिचारक जो है उसकी विशेषता होनी चाहिए। तो मरीज की विशेषताओं में उसमें उस दौर में ये लिखा है कि मरीज को अमीर होना चाहिए। अच्छा, अब हजारों साल पहले अगर लोग ये मान के चल रहे हैं कि मरीज को अमीर होना चाहिए, है ना, तो इसमें कुछ तो है। उनके कहने का आशय ये था कि दो तरीके उन्होंने बताए आयुर्वेद को, मैं मूल रूप से आपको बताऊंगी। आयुर्वेद का मतलब है आयुषो वेद, है आयु का वेद। और आयु क्या है, इसमें जो पहला शब्द है आयु है, वो कहते हैं कि जब आपने मां के गर्भ में बच्चा है तब से लेके और जो उसकी अंतिम दिन है जीवन का, वो सब आयु है। और वेद मींस नॉलेज, कुछ नहीं वेद का और कोई मतलब नहीं, यहां ना ले तो आयु की नॉलेज, यानी उस समय से जब गर्भस्थ शिशु से लेकर और पूरा जीवन का चक्र उसने पूरा कर लिया और वो वहां पहुंच गया जहां उसके लिए उसकी यात्रा बनी थी, वहां तक के इस स्पैन में वो कैसे स्वस्थ रहे, वो कैसे सेहतमंद रहे, ये व्यवस्था प्रकृति ने करा के भेजा उसको। उसमें कोई रोल नहीं है किसी का भी, आयुर्वेद ये मान के चलता है। वो कहते हैं कि उद्देश्य जो आयुर्वेद का है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, कि और अगर रोगी हो गया है वो तो कैसे उसको इलाज दिया जाए। तो कितनी बड़ी बात है, पहला पार्ट प्रिवेंटिव है कि आपने बीमार पड़ना ही नहीं, आप कैसे बीमार नहीं पड़ोगे उसका पूरा एक शास्त्र है, पूरी दिनचर्या है, आपने क्या खाना है, कैसे रहना है, किस ऋतु में कैसा व्यवहार करना है, है ना, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, वो स्वस्थ रहने के पूरे नियम है जिसे भागवत ने पूरी संहिताबद्ध किया है और हमारे और उन्होंने भी किया जो चरक सुश्रुत जैसे लोग हैं। और दूसरा पार्ट ये कि अगर ये सब करते हुए
आपके बीमार पड़ने की संभावना है नहीं, और अगर आप पड़ गए बीमार तो उसका इलाज करना है। उस इलाज की जो पद्धति है वो, उसको उस दौर में भी ये माना गया था कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको पैसे चाहिए। तो एक वैद्य की फीस होगी, आप देखेंगे कहानी सुनेंगे, एक राजा था और उसके दरबार में एक वैद्य था, तो उसका निजी वैद्य है, जो बड़े लोग हैं समाज के उस समय के जो सेनापति हैं मंत्री हैं वो भी अपने राजा के वैद्य से परामर्श कर लेंगे, लेकिन वैद्य हर किसी के लिए सुलभ नहीं था, भाई खास वर्ग की चीज था, अब एक आम आदमी के लिए साधन संपन्न लोगों को ही वैद्य की जरूरत पड़ती थी। तो आम जनता कैसे स्वस्थ रहे थे उसके लिए नियम बना रखे थे, बिल्कुल एक बेसिक नियम जैसा आयुर्वेद ने बताया कि आप के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर की परिधि में जो धरती में पैदा होता है उसको खाइए सिर्फ, और मौसम के अनुकूल, हर मौसम में हर चीज तो नहीं आती। आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग और बड़े बड़े डाइटिशियन ये बता रहे हैं कि सब सीजनल एंड रीजनल, अगर आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सीजनल मीन्स मौसम की चीजें खाइए, मौसम से बाहर की कोई चीज आपने नहीं खानी, जिस भी ज्योग्राफी में आप रह रहे हैं, जिस भूगोल में आप रह रहे हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ रोहतक में बातचीत कर रहे थे, रोहतक के 20 किलोमीटर के दायरे में जो जो वनस्पतियां हैं, जो जो अनाज है, वो सब हमारे लिए ही बने हैं, इस तरह की रचना है उनकी। और मौसम, अब गोभी है, कोई सब्जी विशेष आ रही है, कोई फल आ रहा है, उसका मौसम नहीं है, लेकिन वो और प्रोसेस से गुजरता हुआ या और क्षेत्रों से आता हुआ हमारे लिए उपलब्ध करा दिया जाता है, तो वो भी हमारे लिए नहीं बना। तो आयुर्वेद का बुनियादी सिद्धांत यही था कि सीजनल और रीजनल, मौसम के अनुकूल और जो वहां पैदा होता है, इस चीज को अब मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानने लगी है। ये दोनों सिस्टम में कोई विरोध होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ये आयुर्वेद से ही निकला है, आयुर्वेद से ही निकला है ये। 4000 साल पहले क्या लोग सोच रहे थे, आयुर्वेद में ही जाके 12वीं शताब्दी में मेटल्स का यूज होना शुरू हुआ, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, अपरक भस्म, हीरक भस्म, है ना, तो ये चीजें प्रारंभ में नहीं थी, तो उसका भी विकास होता रहा, तो ये सारी की सारी चीजें जुड़ती रही। आयुर्वेद में आप जो इसको हम रस चिकित्सा बोलते हैं, जो ये नागार्जुन द्वारा दी गई है, और इससे क्या होता है कि महसूस क्या होगा कि जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो कास्ट हाउस दिया, उनका इतना जल्दी प्रभाव नहीं होता, इनका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो ये भी तो एक शोध के बाद ही चीज स्थापित हुई ना, और उन्होंने एक नई चीज पैदा की। तो आयुर्वेद का एक पार्ट जो हजारों साल पुराना है, वो एक अभी नया नया भी है, और उसमें और चीजें आती रहेंगी, ऐसे ही मॉडर्न मेडिकल साइंस चलता है। और ये भी गलत फहमी है कि आयुर्वेद नहीं, हर सभ्यता का अपना एक चिकित्सा शास्त्र है, कि उनका सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाइना का अलग है। जैसे चाइना वाली जो होम्योपैथी है सर, ये जर्मनी की होम्योपैथी, होम्योपैथी तो बहुत लेटेस्ट है, चाइना में एक्यूप्रेशर था, एक्यूप्रेशर है ना, और एक्यूपंक्चर, इस तरह की चीजें थी, और उनका अपना एक चाइनीज हर्बल सिस्टम भी है। हर सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया में चले जाइए आप, इराक वाला रीजन है जो मिश्र कर, इजिप्ट में अपना उनका अपना सिस्टम है, और यूरोप का अपना यूनान का अलग था, यूनानी सिस्टम है, और हमारा जो ये था आपके भारतवर्ष के अंदर जो आयुर्वेद विकसित हुआ था। और आप अगर हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पढ़े हैं, आयुर्वेद का इतिहास पढ़े हैं, और उधर से आप ग्रीक मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़े, तो आपको ये लगेगा कि दोनों चीजों में अंतर ही नहीं है। अच्छा, तो प्रारंभिक, बिल्कुल प्रारंभिक दौर में जिस आप हिप्पोक्रेट्स की ओथ दिलाते हैं हर डॉक्टर को, हिप्पोक्रेट्स यूनान के बहुत बड़े चिकित्सक थे और लगभग चरक के समकालीन थे हमारे, उनकी ओथ आज भी दिलाई जाती है, डॉक्टर जब एमबीबीएस करके निकलता है तो उसको हिप्पोक्रेट्स की ओथ दिलाई जाती है कि मैं अपने प्रोफेशन में ये जो सर्टेन स्टैंडर्ड है, मानक है नैतिकता के, एथिक्स के, इनका पालन करूंगा। तो वो जो हिप्पोक्रेट्स हैं, जिस चीज को हम यहाँ खिल्ली उड़ा देते हैं, ये वात पित्त कफ क्या है, ये उन्होंने वात पित्त कफ का बाकायदा जिक्र किया उसमें, और चौथे तत्व का रक्त के रूप में उन्होंने ब्लड के रूप में जिक्र किया। तो जो लोग जानते हैं, जिन्हें जानने की इच्छा है, जो लोग पढ़ते हैं, उन्हें पता चलेगा कि हजारों साल पहले जो ग्रीक मेडिसिन है, जो इजिप्ट की मेडिसिन है, जो मेसोपोटामिया की मेडिसिन है, जो चाइनीज का मेडिकल सिस्टम है, और जो हमारा है, वो लगभग एक सा है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस वक्त के तकाजों से पैदा हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वार से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, 1950 में के दशक में पेंसिलिन आई, उसको पेनिसिया माना गया, रामबाण औषधि माना गया। तो ये बहस ही बेमानी है कि आयुर्वेद यूं नहीं है और ये इससे श्रेष्ठ है या उससे कमतर है, ये कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस जानने का। आज जो मेडिकल साइंस की स्थिति है, आप देखना 20 साल बाद
रोबोटिक्स की सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजीज का इतना असर हो जाएगा कि आप इसको ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहने पे मजबूर हो जाओगे। जो आज जिस चीज को आप मान रहे हो 50 साल बाद ये ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा और वो न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा। इतना साइंस तरक्की कर रही है, तो साइंस एक ह्यूमन एफर्ट्स है, मानवीय प्रयास है सत्य को जानने का। तो ये बहस बेमानी है कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथिक सिस्टम है। एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म लेना होता है। कुछ चीजें आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं, कुछ कि आप कैसे मेंटेन रखें अपनी हेल्थ को, और उन चीजों को मॉडर्न मेडिकल साइंस ही मान रहा है, और कुछ चीजों का इलाज ही मॉडर्न मेडिकल साइंस में है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने जो बात की थी ना वायरल की, आजकल सीजन चल रहा है वायरल से उठ के अभी आए हैं, तो वायरस का जिक्र किसी और नाम से आयुर्वेद में पहले है। और आयुर्वेद भी ये मानता है कि उसका कोई औषधि इलाज नहीं है उस समय से। आप ये देखिए, पहले हमारे माता निकलती थी चेचक, स्मॉल पॉक्स, बड़ी पॉक्स खत्म। आजकल चिकन पॉक्स है बहुत ज्यादा है, चिकन गुनिया चल रहा है, ये वायरल है। जॉन्डिस होता है पीलिया, मेनली वो वायरल इन्फेक्शन है जिसके परिणाम स्वरूप वो चीजें बनती हैं, या वायरल फ्लू है, वायरल फीवर है। तो वायरस से ये डेंगू आपका जो आजकल जिसको डेंगू बोलते हैं, एक्चुअली इसका उच्चारण डेंगू है जो सही है। तो डेंगू इस तरह की आते रहते हैं वायरल इन्फेक्शन। अभी कोरोना से आपने सारी दुनिया को जूझते हुए देखा है। तो इनका इलाज नहीं है, और इनको कुछ का है, वैक्सीनेशन आपने दे दी, कोरोना की वैक्सीनेशन होगी, लेकिन होने के बाद में ऐसे बहुत से वायरल इन्फेक्शन है जिनका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज है टाइम की बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। और उसकी भी एक साइंटिफिक वजह मैं आपको बता दूं कि वायरस की जितनी एक्टिविटी है, पैथोजेनिसिटी है, वो सेल पे है, बॉडी के सेल पे है, और सेल पे हम कुछ नहीं कर पाते। वायरस बिना सेल के जिंदा नहीं रह सकता, तो वो हमारी बॉडी की सेल में चला जाएगा जो फंडामेंटल यूनिट है बॉडी की, और वहां जाकर उसको असर दिखाएगा। तो ये जो जैसे डेंगू आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, एक हफ्ता इसमें रहना होता है। डेंगू पे तो मैं, मुझे लगता है कि हम कल विस्तार से ही बात करेंगे। हाँ, अगले अंक में जब हम बात करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन को लेके एक एक वायरल जो बीमारी है उसके बारे में बातचीत करते चले। फैला हुआ है बहुत ज्यादा, फैला हुआ है, और इसको हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक करना इन चीजों के बारे में। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि वो उनको कोई लोग एक्सप्लॉइट ना कर पाए, केवल इसलिए कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो ये प्योरली ये जो चैनल है दोस्तों, ये चैनल आप सबको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप किसी भी इलाज के नाम पे जो आपके साथ लूट हो रही है वो लूट ना हो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बीमारी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देंगे, उसके इलाज की, उसके कारणों की, और उसका बेस्ट से कम पैसे में आप कहाँ से इलाज करवा सकते हो, किस तरह ठीक हो सकते हो, ये हम इस चैनल पे बताएंगे। लास्ट सवाल एक त्यागी जी की, यूट्यूब पे देख के इलाज करना कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, पूरी तरह नुकसानदायक है, पैथी कोई भी हो चाहे। मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कर ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो सब केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं तरह तरह के। आयुर्वेद में आप ये प्रयोग कर लोगे, जड़ी बूटियां आपको पता है कि ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आयुर्वेद जो है, इसमें एक आपको चीज मैं बता दूं, आयुर्वेद इंडिविजुअलिस्टिक है, हर व्यक्ति को अलग अलग इलाज देना जरूरत है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो डिजीज ओरिएंटेड है, हर बीमारी में आपने लगभग एक सा ही इलाज करना है। तो आयुर्वेद में तो विशेषकर जब तक वैद्य या डॉक्टर पूरी हिस्ट्री ना ले ले, उससे मिल ना ले, बातचीत ना कर ले, तो जैसे कहते हैं ना कि एक डंडे से सारी भेड़े नहीं हाँकी जा सकती, आयुर्वेद में सर्च करके इलाज बिल्कुल गलत है। और ये इसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाना चाहिए, एकदम से नितांत रूप से गलत है। उसमें मरीज कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा के बैठ जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसकी प्रकृति कुछ और किस्म की हो और उसको उन दवाइयों की जरूरत ही ना हो, क्योंकि आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे सामने जो मरीज आया है उसकी प्रकृति क्या है, वात की है, पित्त की है, कफ की है, ये चार प्रकार इसके मिलकर बनते हैं, सात प्रकार की है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका खाना पीना क्या है, इन तमाम चीजों पे विमर्श करने के बाद में, विचार करने के बाद कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही ये तय कर पाएगा कि मैंने इसको क्या इलाज देना है, क्या इलाज, तो यानी कि बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये बात कोई नहीं कहेगा दोस्तों, क्योंकि YouTube पे ऐसे हजारों डॉक्टर तैयार हो गए हैं जो डॉक्टर है ही नहीं। त्यागी जी डॉक्टर हैं लेकिन मरीज नहीं देखते हैं,
क्योंकि ये बहुत साल पहले समझ गए थे इन चीजों को कि बहुत सारी बीमारियों में तो इलाज की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा हेल्थ बुलेटिन का आज पहला वीडियो था, आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने परिवार में रिश्तेदारों को भी इस चैनल को भेजें, और ये एक ऐसा इकलौता चैनल इस YouTube पे होगा जो आपको लूटने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपको जानकारियां देने के लिए बनाया गया है। और कल हम मिलेंगे आपको जल्दी, जो वीडियो आने वाले हैं वो एक सबसे पहले डेंगू पे हम वीडियो लेके आएंगे कल, फिर हम कब्ज पे एक वीडियो लेके आएंगे, कब्ज की बीमारी भी है, और अगर आप किसी खास बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो सिंपल कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि डॉक्टर साहब मुझे इस बीमारी के बारे में पूछना है या आपकी समस्या क्या है, तो हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।